बोलिए सूर्य देव की जय। श्रोताओं, आज हम जानेंगे रविवार की व्रत कथा एवं पूजा विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ होता है। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार होती है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांतिचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्ध्याहार देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। ये ध्यान रखें कि व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। घर हमेशा खुश मंगल तथा घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन बिल्कुल नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह बुढ़िया भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और विद्या की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए है। वह गाय और बछड़े को देखकर अतीव प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर भी ना होने दी। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को भीतर बांधने लगी है
और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठती। फिर कुछ भी उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर यह कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने उसी समय यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो ईश्वर से गौ का पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा था कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया और राजा ने उसकी पड़ोसन यानी उस दुष्ट बढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना सब करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।